हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेखा क्रिएशन। फ्रेंड, आज हमारा पीको मशीन में जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारी पीको मशीन में प्रॉब्लम है, ऊपर की भी सिलाई ख़राब है और नीचे की भी ख़राब है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे क्लिक करें ताकि मैं मशीन से और स्टिचिंग से जुड़ी वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हो, हमने एक छोटा सा कपड़ा को लिया है, इसमें मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ कि हमारी स्टिच किस तरह से हो रही है। तो देखिए, तो जैसे आप देख रहे हो, हमारी ऊपर की सिलाई की बखिया है, बहुत ही लूज है, और नीचे की सिलाई कुछ इस तरह से है। तो इसे हम किस तरह से ठीक करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड, जैसे इस तरह की सिलाई अगर आप कपड़े में करो या ब्लाउज में या कुछ में भी करो, तो ये आपकी बखिया है ना, चलने वाली नहीं है। देखिए, कुछ इस तरह से ये नज़र आएगी। अगर कपड़ा हमारा, अगर ब्लाउज है या कुछ भी कपड़ा है, तो देखिए अगर आप पहनोगे तो ये इस तरह से नज़र आएगी। तो ऐसी सिलाई तो चलने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी, जैसे कि आप देख रहे हो, हमारी ऊपर की सिलाई ख़राब होती है तो उसका सोल्यूशन नीचे होता है, और नीचे की सिलाई ख़राब होती है तो उसका सोल्यूशन ऊपर होता है। तो चलिए हम पहले नीचे वाले सोल्यूशन को ठीक करते हैं। हमारी नीचे से सिलाई ख़राब हो रही है तो इसका सोल्यूशन कहाँ है फ्रेंड, ये टेंसिल में है। तो हमें कुछ नहीं करना, बस टेंसिल को इस तरह से टाइट कर लेंगे, अच्छे से हमें इसे टाइट करना है। चलिए, ये तो हो गया हमारा टाइट। अब हम नीचे की ओर देख लेते हैं, हमारा अब नीचे वाला प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए हम नीचे से बॉबिल केस को निकालते हैं। हम बॉबिल केस को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बॉबिल केस बाहर आ चुका है। अब जो इसमें दो नट है, आपको दो नट दिखती होगी, अब एक को हम टाइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे हम इस तरह से टाइट कर लेते हैं। इसे हमें अच्छा से टाइट करना होगा तो ही हमारी ऊपर की सिलाई ठीक होगी। तो चलिए ये हमारा टाइट हो चुका है, और ये फ्रंट दूसरे वाले नट को भी हम देख लेते हैं, ये हमारा टाइट ही है। तो चलिए अब इसे हम फिक्स कर देते हैं। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, बस हमें इस तरह से फिक्स कर देना है और इसे इस तरह से क्लोज कर देना है। अब हम धागे को ऊपर ले लेते हैं, अब धागे को अंदर से निकाल लेते हैं, को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा दोनों धागा बाहर आ चुका है। अब मैं आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हमारी ऊपर की सिलाई है और ये नीचे की सिलाई है। आप देख रहे हैं, हमारी ऊपर और नीचे दोनों सिलाई एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड, अगर आपकी मशीन में कुछ इस तरह से ही प्रॉब्लम होगी तो इस प्रॉब्लम को आप इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।